हमारे विद्यालय नवल एकेडमी द्वारा आप लोगों के लिए सभी क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि विद्यालय पर आकर के और समय से अपना मॉड्यूल प्राप्त कर लें और उस मॉड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का कृपा करें। तो आप लोग विद्यालय आकर के मॉड्यूल जरूर प्राप्त कर लें। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में आवयव के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स जिसका पार्ट वन पहले आप लोगों ने देखा और आज हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 पार्ट वन में आपने देखा है और 3.2 पार्ट टू में देखेंगे। ध्यान दें, दो आवयूहों को आपस में जोड़ा जा सकता है, दो आवयूहों को घटाया जा सकता है, दो आवयूहों का आपस में गुणा किया जा सकता है, लेकिन दो आवयूहों का भाग नहीं होता है। दो आवयूहों को जोड़ना घटाना गुणा करना पॉसिबल है, दो आवयूहों का भाग नहीं होता है। इस प्रश्नावली में हम लोग दो आवयूहों को कैसे आपस में जोड़ते हैं, दो आवयूहों को कैसे आपस में घटाते हैं, दो आवयूहों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। दो आवयूहों को जोड़ने पर एक नया आवयूह प्राप्त होता है, दो आवयूहों को आपस में जब घटाते हैं तो एक नया आवयूह प्राप्त होता है, दो आवयूहों को जब हम गुणा करते हैं तो एक नया आवयूह प्राप्त होता है। तो दो आवयूहों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, दो आवयूहों को किस प्रकार से घटाते हैं, दो आवयूहों का किस प्रकार से गुणा करते हैं, यह तीनों की प्रक्रिया जो है इस प्रश्नावली 3.2 में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब आते हैं प्रश्नावली पर। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 3.2 2.4। पहला क्वेश्चन बुक के अनुसार 2.4 3.2 बी बराबर 1.3 -2.5 -2.5 सी बराबर क्वेश्चन नंबर 1 -2.5 3.4। चूंकि इस क्वेश्चन में कई पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से एक पार्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं पार्ट 3 जिसके माध्यम से शेष पार्ट को आप लोग लगा सकते हैं। पार्ट 3 में ज्ञात करना है 3a-c का वैल्यू, 3a-c, तो 3 उतर जाएगा a के स्थान पर और c के स्थान पर। जो a और c का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो दो मैट्रिक्स हैं a बराबर c बराबर, इसको लिखे जाएंगे। तो a बराबर है 2.3 4.2 और c बराबर है -2.3 5.4। ये 3 अंदर चला जाएगा तो इस सब में गुणा होगा, 3 × 6 3 × 4 12 3 × 3 9 3 × 6 ये उतर जाएगा -2.3 5.4। इस क्वेश्चन के माध्यम से दो आवयूहों का घटाना हम लोग सीखेंगे। घटाने का और जोड़ने का तरीका सेम है, दो आवयूहों को जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से घटाते भी हैं, लेकिन दो आवयूहों का गुणा करने का जो नियम है वह अलग है। दो आवयूहों को जोड़ना और घटाना सेम प्रोसेस से होता है, दो आवयूहों का गुणा अलग प्रोसेस से होता है, भाग होता ही नहीं है। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 12 में से 5 गया 7 9 में से 3 गया 6 छः में से 4 गया 2। यह था दो आवयूहों का घटाना। यह आपने देखा दो आवयूहों का घटाना, माइनस माइनस प्लस, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 9 में से 3 गया 6 6 में से 4 गया 2। यह है दो आवयूहों का घटाना, माइनस है दो आवयूहों को घटाना है। दो आवयूहों को जोड़ने के पर या दो आवयूहों को घटाने पर सदैव एक नया आवयूह प्राप्त होता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आवयुओं को आपस में घटाया गया है। जोड़ना यदि होता तो 6 और 2 8 ये जोड़ सकते हैं, 12 और 5 17 हो जाता, 9 और 3 12 हो जाता, 6 और 4 10 हो जाता। जोड़ने और घटाने की सेम प्रक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए और ए जोड़ देंगे 2a हो जाएगा, बी और बी जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ए और ए जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। हम या तो ये आंसर दे सकते हैं या 2 यहाँ कामन ले सकते हैं। यह 0 है तो कुछ भी कामन हो सकता है, 0 में से कुछ भी कामन ले सकते हैं। तो 2 जब कामन लेंगे तो ए होगा, बी होगा, ए होगा, 0 होगा। 2 बाहर ले लिए, 2 2 2 सभी जगह है, 0 में से 2 बाहर हो सकता है, 0 में से कुछ भी बाहर हो सकता है, यह हो जाएगा। दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में परिकलित कीजिए कहा था। इस क्वेश्चन में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग के बुक में 4 पार्ट दिया है और चारों पार्ट में कहा है परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए में क्या दिया है, जोड़ और घटाना दिया है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 से। शेष पार्ट इसके 3 और हैं, वह तीनों पार्ट आप लोग इसी बेस के आधार पर, चूंकि नियम पता चल गया है इसलिए इस नियम को फॉलो करते हुए आप लोग शेष 3 पार्ट को लगा लेंगे। अब नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हम लोग 2 आवयुओं का गुणा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप लोगों ने 2 आवयुओं का जोड़ और घटाना पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से 2 आवयुओं का हम लोग गुणा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो सबसे बड़ा पार्ट है, और इस थर्ड पार्ट को यदि समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, सभी पार्ट बहुत ही आसानी से लग जाएंगे अगर इस एक पार्ट को आप लोग समझ लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर थर्ड पार्ट ही लगा रहे हैं, बाकी पार्ट में आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड नहीं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वह सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको लगाया जा रहा है। यहाँ पर गुणनफल ज्ञात कीजिए कहा है, तो ध्यान दें यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस नहीं है, क्योंकि इनका 2 आवयु है, एक मैट्रिक्सिया है, एक मैट्रिक्सिया है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग 2 आवयुओं का जोड़ और घटाना पढ़े थे। जोड़ और घटाना का रूल एक ही होता है, लेकिन 2 आवयुओं के गुणा का रूल अलग होता है। तो यदि आप लोग को 2 आवयुओं का गुणा समझना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से बातों को सुनेंगे, क्योंकि 2 आवयुओं का जो गुणा करने का जो रूल है वह बड़ा ही अपने आप में विशेष प्रकार का रूल है। अगर गुणनफल को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोग तुरंत भूल जाएंगे। दिमाग को केंद्रित करके जो है गुणनफल की प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। यह पहला रो है, इस पहले रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में गुणा होगा, फिर दूसरे रो को उठाएंगे, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में गुणा होगा, फिर तीसरे रो को लेंगे, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में गुणा होगा। कहना यह है कि पहले रो का तीनों कॉलम में गुणा हो जाएगा, दूसरे रो का तीनों कॉलम में गुणा हो जाएगा, तीसरे रो का तीनों कॉलम में गुणा हो जाएगा।
यानी गुणा का रूल यह है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों का दूसरे मैट्रिक्स की स्तंभों में गुणा करते हैं, यानी इसके रो का इसके कॉलम में ही गुणा करते हैं। यानी दो आव्यूहों के गुणा करने का यह रूल है पंक्ति गुणे स्तंभ। पहले आव्यूहों के पंक्तियों को लिया जाएगा और दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा किया जाएगा। पहली पंक्ति का इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे इस पर ध्यान दें। जैसे पहली पंक्ति है, इसका इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में गुणा करना है, इसके बाद इस स्तंभ में, इसके बाद इस स्तंभ में। तो जब इसका इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे इस पर ध्यान दें थोड़ा। इसका जो है गुणा इस कॉलम में करने जा रहे हैं, तो दो का गुणा एक में होगा, तीन का गुणा जीरो में, प्लस लगाते चलते अपने तरफ से, और चार तीन बारह, यह हो जाएगा बारह और दो चौदह। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चौदह। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बातें आप लोगों को। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो दो का एक में करेंगे, तीन का जीरो में, चार का तीन में, एक अवय इसका गुणा कर देंगे, दूसरा अवय इसका, दूसरा अवय इसका गुणा कर देंगे, तीसरा अवय इसका, तीसरा अवय इसका गुणा कर देंगे। यानी एक अवय इसमें से उड़ लेंगे, एक इसमें से लेंगे, इस प्रकार से गुणा करेंगे, प्लस करते चलेंगे। अब आते हैं हम इसका इसमें गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, तो इस दो का गुणा ऋण तीन में होगा, तीन का गुणा दो में होगा, और चार का गुणा जीरो में होगा। धन छः ऋण छः जीरो आ रहा है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे। यानी इसका हम गुणा किए हैं इसमें, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे इसका, तीसरे कॉलम में, तो दो का पाँच में होगा, तीन का चार में होगा, चार का गुणा पाँच में होगा, और प्लस करते चलेंगे। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो दो का गुणा पाँच में होगा, तीन का गुणा चार में होगा, चार का गुणा पाँच में होगा, प्लस करते चलेंगे। पहले स्तंभ, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो दो का पाँच में होगा, तीन का चार में होगा, चार का पाँच में होगा, तो बीस, बीस दस तीस दस चालीस, दो बयालीस हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, सेकंड रो का पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में, तो यह सेकंड रो को करेंगे इसमें गुणा, तो तीन का एक में होगा, चार का जीरो में, पांच का तीन में, इसका इसमें जब करेंगे तो तीन का एक में होगा प्लस, चार का जीरो में होगा प्लस, पाँच का तीन में होगा, पंद्रह तीन अट्ठारह हो जाएगा। अब हम इसका जो है इस कॉलम में हो गया, अब इस कॉलम में करेंगे जब, तो तीन का ऋण तीन में होगा, चार का दो में होगा, पाँच का जीरो में होगा, तीन तरीके नौ हो जाएगा ऋण में, चार दुनिया आठ हो जाएगा, और पाँच सुनाए शून्य हो जाएगा, तो नौ ऋण नौ धन आठ, ऋण एक हो जाएगा। अब आते हैं इसका गुणा इसमें करना है, तो तीन पच्चे पंद्रह, चार चौको सोलह, और पाँच पच्चे पच्चीस, तो पच्चीस पंद्रह चालीस और सोलह छप्पन हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा करते हैं। इसके बाद थर्ड रो का इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में होगा, तो थर्ड रो का जब पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दें, चार का एक में होगा, पांच का जीरो में होगा, छह का तीन में होगा, चार एक अन्य चार, प्लस पांच सुनाई शून्य, प्लस छह तरीके अठारह, तो अठारह चार बाईस हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड रो, सेकंड कॉलम में चार के बारह माइनस में होगा, पाँच दूनी दस होगा, तीन छः सुनाए शून्य हो जाएगा, तो दस माइनस बारह ऋण दो बचेगा। इसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम में होगा जब, तो चार का पाँच में होगा, पाँच का चार में होगा, छः का पाँच में होगा, तो चार पच्चे बीस प्लस पाँच चौको बीस प्लस छः पच्चे तीस, तीस बीस पचास और बीस सत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान दें थोड़ा। दो आव्यूहों को गुणा करने की यह जो विधि है इसको आप लोगों ने देखा, तो दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। जब भी दो आव्यूहों का गुणा करते हैं तो एक नया आव्यूह प्राप्त होता है।
कभी भी दो आवयुहों का जब गुणा करना होता है तो पहले आवयुह के पंक्तियों का गुणा करते हैं सदैव दूसरे आवयुह के स्तंभों में। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे इन स्तंभों में, दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे इन स्तंभों में, तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे इन स्तंभों में, और उसके पश्चात जो जो अवयव मिलते चलेंगे उसको हम लोग इसमें रख देंगे और एक नया आवयुह प्राप्त हो जाएगा। जैसी पहली पंक्ति का इस कालम में, इस कालम में, इस पहली पंक्ति का जब इस कालम में गुणा करेंगे तो 14 आया, इस कालम में गुणा किए तो 0 आया, इस कालम में गुणा किए तो 42 आया। दूसरी पंक्ति पर आएंगे, दूसरी पंक्ति का जब इस कालम में गुणा किए तो 18 आया, इस कालम में गुणा जब किए तो -1 आया, और इस कालम में जब गुणा किए तो 56 आया। तीसरे पंक्ति पर आ जाएंगे, इसका जब इस कालम में गुणा किए तो 22 आया, इस कालम में जब गुणा किए तो -2 आया, इस कालम में जब गुणा किए तो 70 आया। यानी दो आवयुहों का जब, दो मैट्रिक्स का जब गुणा करना होता है तो इसके पंक्तियों का गुणा इसके स्तंभों में करते हैं, और इस प्रकार से जो है प्लस प्लस बीच में करते चलते हैं और यहाँ अवयव को लिख देते हैं। इस प्रकार से दो आवयुहों का गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी पार्ट में दो आवयुहों का गुणा है जो आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग लगा लेंगे क्योंकि सभी पार्ट में ओनली गुणा करना है। दो आवयुहों का गुणा जब करते हैं तो पहले आवयुहों के बारी बारी से प्रत्येक पंक्ति का गुणा करते हैं दूसरे आवयुह के स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आवयुह दिए हुए हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर, 3 आवयुह दिए हुए हैं, जोड़ और घटाना केवल करना है, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जोड़ घटाना बिल्कुल सिंपल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी घटाना दिया है, घटाना आप लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी जोड़ दिया है, दो आवयुहों को जोड़ना है, आप लोग जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से नया क्वेश्चन चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि x प्लस वाई बराबर 72, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, इसके दो पार्ट है, दोनों सेम है, एक प्रकार से लगेंगे। 7025 और x माइनस वाई बराबर 3003 और यहाँ x और y का मान निकालना है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो यह y से यह y कट जाएगा, तो जोड़ने पर तो यह एक्स एक्स टू एक्स वाई माइनस में वाई प्लस में कट जाएगा। दो आवयुहों को जोड़ना है तो एक नया आवयुह प्राप्त होगा, 7 और 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे इस दो के साथ में, यह 0 जोड़ेंगे और एक 5 और 3 जोड़ेंगे। अब हम यहाँ से दो कामन ले सकते हैं, तो दो जब कामन ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 1 0 4, क्योंकि 0 में से कुछ भी कामन लिया जा सकता है, दो कामन ले लिए क्योंकि दो से कटने वाली संख्याएं तीनों जगह, और यहाँ 0 है तो कामन ले सकते हैं। ये दो से यह दो कट जाएगा, इस प्रकार x बराबर मिलेगा 5014, यह x का मान है। अब हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए यह x का मान हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x के स्थान पर 5104 प्लस y इक्वल टू 7205, यहां से मिलेगा y बराबर
इस आवयव को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आवयव बराबर के बाद चला जाएगा, सात में से पांच घट गया, जीरो में से जीरो घटेगा, दो में से एक गया, पांच में से चार जाएगा तो एक होगा। इस प्रकार से आपका वाई का मान आ गया, यह एक्स का मान था, यह वाई का मान आ गया। एक्स और वाई का मान निकालना था सातवां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आठ में भी एक्स और वाई का मान निकालना है, नौ में एक्स और वाई का मान निकालना है, दस में एक्स वाई और जेड और टी का मान निकालना है, ग्यारह में भी एक्स और वाई का मान निकालना है, बारह में भी एक्स वाई जेड और डब्लू का मान निकालना है। अब हम लोग जो है आप लोग ट्वेल्थ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थ्री में हम लोग आगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।